सो हे गाइस, तो क्या हाल चाल है यार। तो वापस आ चुका फिर से नए फ्रेश वीडियो के साथ वापस। और आज हम लोग जो लौटे हैं नई वीडियो के साथ, तो आज हम लोग ने सोचा कि आप लोगों के लिए न्यू रूलर के ऊपर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दोनों के ही रूलर्स बहुत ज़्यादा ही मार्केट में तहलका मचा कर रहे अब हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए रूलर ऐसा हो गया जैसे कि बाइक के लिए वो हेलमेट होता है, वैसे ही सेम हो गया रूलर के लिए सबसे हमारे। पहले आज इस वीडियो में हमारे पास बहुत सारा रूलर है अलग अलग ब्रांड्स के। तो मैंने सोचा था जो 30 सेंटीमीटर का है, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा, बट 30 सेंटीमीटर के मैक्सिमम ब्रांड्स के मुझे नहीं मिले। जो मुझे एक स्टोर में मिला, मैं मैक्सिमम दो तीन स्टोर में गया था और दो तीन स्टोर से मतलब ये सारे रूलर्स मतलब इकट्ठे किए। मैं यहाँ पे तीन ब्रांड्स के ही इकट्ठा कर पाया, मतलब रूलर यहाँ पे एक डोम्स के, एक नटराज का और एक यहाँ पे कोई स्टील का कंपनी है, जो भी मतलब स्टील वाला आता है वो आप लोग को पता ही होगा। तो फर्स्टली अगर बात करें 15 सेंटीमीटर वाले रूलर की, तो यहाँ पे आपको डोम्स के देखने को मिलता है, यहाँ पे फ्लेयर का है, यहाँ पे आपको अप्सरा का है, यहाँ पे लिंक का है, यहाँ पे नटराज का है, यहाँ पे आपको सेलो का है। मतलब मैक्सिमम जो ब्रांड्स आपको मार्केट में देखने को मिलता है वो सारे ब्रांड्स के यहाँ पे आपको रूलर देखने फिफ्टीन को मिलते सेंटीमीटर के हैं। लिए तो मैंने सारे कॉम्बो बैठा दिए हैं, लेकिन हाँ 30 सेंटीमीटर की जुगाड़ नहीं हो पाया। उसके लिए कोई बात नहीं, हम फ्यूचर में ट्राई करेंगे जो 30 सेंटीमीटर के और रूलर ला के आप लोग को इस चेकआउट ये करा। वीडियो मतलब मैं क्या बताऊँ, खुद की पॉकेट मनी से मैं मतलब वीडियो शूट करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक अगर कोई सब्सक्राइब करते तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए ले। सो गाइज, अगर आप एक जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो मतलब थोड़ा सा नुकसान होता है, तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और सब्सक्राइब करने में गाइज़ आप लोग को पैसे नहीं लगेंगे। सो गाइज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और जितना जितना हो उसके वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो मतलब स्टूडेंट हो, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डोम्स का ये रूलर है, तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि डोम्स तो भाई हर जगह पे तहलका मचा के रखा हुआ है सारे मतलब फील्ड में, चाहे वो रूलर हो कुछ भी हो। उसके बाद आपको अगर रूलर की क्वालिटी की बात करते हो, सबसे पहले मैं रूलर की क्वालिटी की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि डोम्स बहुत ज़्यादा तगड़े प्रोडक्ट्स बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाइनिंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है, डोम्स की ब्रांडिंग भी बहुत सही है, और यहाँ पे जो मार्किंग की गई है 1 2 3 4 जो मार्किंग की गई है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथली की गई है, और एक प्रीमियम डिज़ाइन टाइप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और क्वालिटी की बात करोगे तो बहुत तगड़ी क्वालिटी है। तो हमने यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं आप ब्रेकेबल टेस्ट भी यहाँ पे कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी निकल के आती है, मतलब ब्रेकेबल नहीं है ये प्रोडक्ट। और हम यहाँ पे इसको फोल्ड करके भी देखते हैं क्या ये ऐसे इजिली ब्रेक होता है या नहीं, तो नहीं ये इजिली ब्रेक होने वाला नहीं। फिर अगर आप बात करते हो यहाँ पे फ्लेयर की, तो डोम्स की जैसे कि मैंने चेकआउट आपको करा दिया है, और यहाँ पे अगर बात करो आप फ्लेयर की, तो सबसे पहले हम फ्लेयर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और फ्लेयर वाले रूलर की जो आप बोल सकते हो, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है। और मैंने प्राइसिंग की तो बात ही नहीं की, जो डोम्स की प्राइसिंग कितनी है, ये मुझे 5 रुपीज़ में पड़े थे। 5 रुपीज़ सब जगह अलग अलग रेट वैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग प्राइस उनकी नहीं थी। तो यहाँ पे फ्लेयर का जो है, फ्लेयर का भी आप बोलो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हाँ एक चीप फील टाइप मुझे दे रहा है हैंड में, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, जो ये थोड़ा सा चीप लग रहा है मुझे। बट प्राइसिंग यहाँ पे इनका मैं यहाँ पे मेंशन किया होगा, ये भी 5 रुपीज़ के ही है और डोम्स वाला भी 5 रुपीज़ का ही है। सो अगर फ्लेयर की मैं अगर ब्रेकेबल टेस्ट करता हूँ, तो ये भी फोल्ड होता है अच्छा खासा, ये भी मुड़ रहा है, मतलब ये भी नॉन ब्रेकेबल ही है मतलब मैक्सिमम टाइम्स, बट हाँ थोड़ा सा चीप फील दे रहा है मुझे। अगर डोम्स डोम्स से मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये थोड़ा सा मुझे चीप टाइप लग रहा है, तो ये चीज़ मैं मतलब देख पा रहा हूँ। सो गाइज, अब अप्सरा की बात करते हैं। अप्सरा तो भाई छूने से ही पूरा प्रीमियम टाइप एकदम लग रहा जो कोई हैवी सी चीज़ उठाई है। बिल्ड वो क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी निकल के आती है, लाइकली डोम्स से भी अच्छी है इसकी, तो डोम्स से भी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी निकल के आती है। सबसे पहले इसके हम ये बेसिक जो होता है, जो जो कि आपको स्मज करने से बचाता है, उसकी तरफ हम देखेंगे। तो हो सकता है आपको थोड़ा ब्लरी दिख रहा हो, उसके लिए पे माफ लिखा हुआ है करिएगा। अप्सरा का डिलक्स स्केल, डिलक्स स्केल, अब देखते हैं कितना डिलक्स है ये। तो सबसे पहले हम इसका बिल्ड क्वालिटी, ये तो उतना ज़्यादा फोल्ड नहीं हो रहा, बट टाइटली अगर घुमाते भी हो तो स्केल टूट नहीं रहा, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। तो फोल्ड फोल्ड ये भी अच्छा खासा हो रहा है, तो मजबूत है भाई स्केल अप्सरा का। तो अप्सरा का थोड़ा सा प्राइसिंग देख लिया जाए, इसकी 6 रुपये प्राइसिंग है, तो ये इसकी प्राइसिंग 1 रुपये ज़्यादा निकल के आती है डोम्स और फ्लेयर वाले से। तो भाई पैसे लो 1 रुपये ज़्यादा, बट हाँ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं तो होगा। इस गाइस प्राइसिंग अगर 1-2 रुपये इधर उधर हो रही है, तो उसके लिए आप लोग कोई भी मैटर मत कीजिएगा। और यहाँ पे लिंक का स्केल निकल गया था, ये भी 5 रुपये की है, और लिंक वालों ने भी स्केल बनाना शुरू कर दिया, मतलब बनाया तो बहुत दिनों से है लेकिन तगड़े स्केल बनाना शुरू कर दिया। इसकी जो डिज़ाइन की बात करो, बोल बोल सकते हो फुल्ली एक तरह से फॉगी डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है, बैक की तरफ से भी फॉगी डिज़ाइन है, यहाँ पे लिंक का लोगो है। लिंक भाई दो दो जगह लिखने की क्या ज़रूरत थी, मतलब एक बार लिखोगे तो हमें नहीं दिखेगा क्या? कोई बात नहीं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। हम देखते हैं इसका भी अनब्रेकेबल टेस्ट, कहीं अगर स्केल टूट जाती है तो कोई बात नहीं, हम वहीं पे वीडियो को स्टॉप कर देंगे भाई, तब मतलब गाली भी देंगे कंपनी को दो तीन, मतलब मजाक कर रहा हूँ, गाली नहीं मतलब। देंगे, लेकिन फिर भी ये लिंक का भी स्केल नहीं टूट रहा है। और क्वालिटी की बात करें तो चलिए ये भी क्वालिटी में अच्छा है। उसके बाद हम नटराज की बात करते हैं, नटराज की प्राइसिंग भी 5 रुपये आती है। नटराज को हम ओपन करते हैं, तो सबसे पहले नटराज, ऐसे नटराज का स्केल बहुत ज़्यादा बिकता है। अप्सरा का जो स्केल निकल के आता है वो थोड़ा सा वाइड निकल के आता है, और इन कंपेरिजन टू नटराज दोनों ही
और क्वालिटी की बात करो तो नटराज तो आपको अच्छी बात है, क्वालिटी में तो है भाई, क्वालिटी इसकी भी तगड़ी है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, टक्कर भाई फुल है एकदम। और यहाँ पे हम निकल के आता है हमारे पास लास्ट सेलो, तो सेलो खुल जा भाई। तो सेलो की अगर बात करें, सेलो मैट्रिक्स भाई ये फुल चीप लग रहा है भाई, मतलब ये तो उससे भी खतरनाक लग रहा है। ये मैं कौन सा अभी मैंने एक अनबॉक्स किया था इससे पहले, जस्ट फ्लेयर का, हाँ फ्लेयर की भाई, फ्लेयर और सेलो ये दोनों पेन बनाते हैं, मतलब मैक्सिमम पेन से ही बनाते हैं। तो भाई ये दोनों ने जो स्केल बनाया, मतलब रूलर बनाया है, मुझे लगा भाई ये दोनों मतलब बहुत ज़्यादा ही चीप टाइप लग रहा है, फुल पैसा बचत कर रहे हैं एकदम, मतलब सोच रहे हैं रूलर बना के ही अमीर बन जाएंगे। अगर इसकी फोल्डनेस की बात करो तो ये भी मुड़ेगा तो बहुत अच्छा खासा, क्योंकि थोड़ा सा चीप लग रहा है मुझे, हैंडी फीली चीप लग रहा है, तो इसको इग्नोर करते हैं, मुझे कुछ पसंद नहीं आया खास। वैसे लोगों की डिज़ाइन करो तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। हाँ इसमें वो हो सकता है कि शॉपकीपर्स को इसमें बहुत अच्छे खासे मार्जिन मिल रहा होगा, तो इसके लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइस स्टेशनरी प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत कम होता है, तो इसीलिए हो सकता है इसमें ज़्यादा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। गाइस सबसे पहले इस सबको हम साइड करते हैं, आते हैं अपने 30 सेंटीमीटर वाले स्केल पर। सो गाइज तो ये है वो तीनों स्केल्स, मतलब 30 सेंटीमीटर वाले जो कि मुझे मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील वाले की, तो भाई ये है हमारा सबसे प्यारा राज दुलारा स्टेनलेस स्केल। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का ये मेड है, मुझे सबसे बड़ी इसकी फीचर ये लगती है कि आप इससे किसी को मार सकते हो, लाइकली ये बहुत हैवी भी है, थोड़ा सा ये भारी निकल के आता है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉड है, मतलब चौड़ा वाला है। इसमें भी दो तीन वेराइटीज़ आते हैं, एक थोड़े पतले आते हैं, एक थोड़ा सा मोटा आता है, तो आप लोग अपने अपने साइड देख सकते हो। ये मैंने 25 का परचेस किया था, बहुत जगह 20 में मिलता है, बहुत जगह 30 में भी, प्राइसिंग अपने अपने साइड से मतलब डिटरमाइन करते हैं लोग। तो सबसे पहले फीचर उसका, मतलब सबसे बड़ा फीचर मुझे इसका ये लगता है कि लाइकली मैं जब स्कूल में था तो मैं पेज वगैरह जो काटता था ना, तो इससे ये स्केल मैं यूज़ करता था, ऐसे करके मारता था, वो पूरा पेज अलग हो जाता था। टेस्ट वगैरह लेते थे सर, तो बोलते थे नोटबुक से पेज वगैरह निकाल लो, तब हम लोग टेस्ट लेंगे, तो ऐसे मतलब मज़ा आता था। और इससे हम मारते थे भाई किसी को बहुत तगड़ा, मतलब फुल एकदम फाइटिंग वगैरह सब करने में बहुत तगड़ा था, तगड़ा है भाई ये स्केल। तो ये एक आपको स्केल मिल जाता है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो गाइज़ ये स्केल तो आप लोगों को पता ही होगा जो स्टेनलेस स्टील वाली है, तो ये एक स्केल देखने को मिलता है आपको 30 सेंटीमीटर में। और उसके बाद फिर एक ये है हमारे पास डोम्स का, जो कि अगर बात करो डोम्स एम टेक 30 सेंटीमीटर स्केल, और पीछे अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो 15 रुपीज़ इसकी ऑनवर्ड प्राइसिंग है। और यहाँ पे जो है वो डोम्स ने बनाया है, प्रेसाइज फॉर मेकिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स मेड इन इंडिया। सबसे बड़ी बात गाइज आपको पता होगा डोम्स हमारा इंडिया का ही कंपनी है, मतलब ब्रांड है, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है डोम्स, और बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी कर रहा है, और ऐसा नहीं है वो लोगों का मतलब पैसा काट लेता है, मतलब बहुत बीच में एक डिज़ाइन आप अगर नोटिस करोगे तो जैसे मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देख सकते हो, एक आपको डिज़ाइन दिखेगी, मतलब फुली सर्कल नहीं बोल सकते, ओवल टाइप में एक डिज़ाइन दिखेगी जो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। इधर से आपको मिल जाएगा डोम्स एमटेक का लोगो, और पीछे के साइड में आपको 13 सेंटीमीटर का स्केल देखने को मिलता है, जो कि वाइडनेस की बात करो तो वाइडनेस बहुत ज़्यादा ही है इस स्केल में, तो वाइडनेस में मुझे ये पसंद। वाइड अगर स्केल रहता है तो आप बहुत ज़्यादा ही स्पेस आपके पास होता है मार्जिन छोड़ने के लिए, फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो। फिर आते हैं अपने थर्ड वन पे जो हमारा नटराज का है, तो नटराज का आप देख सकते हो, नटराज मतलब नटराज है भाई, मतलब वो तो भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 रुपये इसकी प्राइसिंग, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सॉरी गाइस ऑल ओवर द इंडिया इसकी प्राइसिंग सेम ही है। तो अगर सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले, तो ये भी 30 सेंटीमीटर स्केल है, ये इसने भी लिखा है यहाँ पे एक्यूरेट प्लस स्मूथ एज। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे स्मूथ एज का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको, मतलब सबसे पहले अगर आप इससे अगर आप लाइन खींचते हो तो इसमें आपको स्मज नहीं होगा, लाइकली कोई भी अगर जैसे हम लोग यहाँ से इस पेज से कटते हैं यहाँ से घूम जाता है, तो ऐसा आपके साथ नटराज में नहीं होने वाला, लेकिन मेरे साथ तो नटराज में भी होता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लाइनिंग वगैरह बहुत सही है, नटराज 621 स्केल, यहाँ पे लोगो भी दिया गया है नटराज की तरफ से आया है, और रूलर बिल्कुल, मुझे सच बताऊँ तो सारे ब्रांड्स के रूलर तो सेम ही होते हैं, मतलब दिखने में भी सेम होते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन बात आ जाती है मेन क्वालिटी की, क्वालिटी किसकी ज़्यादा तगड़ी है। तो अगर मैं क्वालिटी बात करूँ डोम्स से, नटराज की थोड़ी क्वालिटी बेटर निकल के आती है, क्योंकि डोम्स में थोड़ा सा ये वाइड करते करते उन्होंने ये प्लास्टिक यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया, जिसके कारण से यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब ये हो रहा है, तो ये भी एक तरह से फ़ायदा भी है, जो टूटेगा नहीं जल्दी। हाँ अगर वाइडनेस की अगर कंपेयर करते हो तो वाइडनेस में मुझे डोम्स पसंद है, बट हाँ मुझे नटराज भी पसंद है। अगर तीनों स्केल्स में से सबसे अगर बेस्ट बोलूँ तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है गाइस ये, क्योंकि अगर आप एक बार परचेस कर ले तो आप यूज़ कर सकते हो, आपके बेटे यूज़ कर सकते हैं, उनके बेटे यूज़ कर सकते हैं, उनके बेटे यूज़ कर सकते हैं, एक तरह से गाइस ये विरासत वाली फील हो जाती है, जो मतलब आप अपने बेटे को दे रहे हो, वो अपने बेटे को दे रहे हैं, फुल एकदम जैसे किंग सब के टाइप में उन्हें तलवार शॉर्ट गिफ्ट किया जाता था, वो उनके वंशज थे, वैसे ही गाइस ये होता है स्टेनलेस स्टील वाला स्केल।
आप दे सकते हो। वैसे मैं ये सब गाइस योग था और सीरियसली मत लेना, लेकिन हाँ ये स्केल बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है क्योंकि आप इसको अगर कहीं भी गिरा भी देते हो कुछ भी होता है। एक स्केल है मेरे पास इसे ऑलरेडी, मैं 5 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक भी कोई कुछ भी मैं उसे मोड़ देता हूँ, डायरेक्ट मोड़ देता हूँ उसको, ऐसे मोड़ देता हूँ, बट उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये चीज़ मुझे सही लगता है इस स्केल का। तो अगर कंपेयर करते हो अगर कोई भी प्लास्टिक वाले स्केल से, अगर नॉर्मल स्टेनलेस स्टील वाले स्केल की, तो ये इसमें ज़्यादा फायदा है। एक बार आपको 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, लेकिन फिर आपको फिर पे करने ही नहीं पड़ेंगे कभी स्केल के लिए, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। तो अगर 30 सेंटीमीटर के स्केल आप खोज रहे हो तो आप ये वाला परचेस करना, क्योंकि आपको ये फ़ायदा दिलाएगा। क्योंकि गाइज़ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, इसी के लिए गाइज़ आप ये रूलर को परचेस कर सकते। जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। सो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज 30 सेंटीमीटर वाली प्रॉब्लम तो दूर हो गई कि कौन सा बेस्ट है, बट 15 सेंटीमीटर में भी आपको बेस्ट बताना मेरा मतलब कर्तव्य बनता है। तो गाइज मैंने सोचा आप लोग को 15 सेंटीमीटर में भी बेस्ट दूँ। तो सबसे पहले आप लोग लिंक को साइड करना, लिंक का परचेज मत करना। उसके बाद आपके पास सेलो है, सेलो थोड़ा सा मतलब मुझे चीप टाइप लगा, इसको भी इग्नोर करना। फ्लेयर मिल जाए इसको भी इग्नोर करना। आप तीन में आपको सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ 15 सेंटीमीटर में स्केल, जो भी आपको मार्केट मिले तुरंत उसको लेना। अगर वो छोड़ के आपको दूसरा अगर कोई दे रहा हो भाई, मेरे हिसाब से तो मत करना परचेस, क्योंकि 5 हो या 6 रुपये हो उससे आप इग्नोर करना। लेकिन मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि 5 रुपये 6 रुपये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि बेस्ट स्केल। तो यहाँ पे अगर बात करो तो अप्सरा सबसे बेस्ट स्केल निकल के आता है, 1 रुपये ज़्यादा इस सबसे पड़ता है, मतलब दोनों से ही 1 रुपये इन्वेस्ट करके आपको बेस्ट 15 सेंटीमीटर स्केल मिल रहा है, 6 रुपये इसका प्राइस है, और अप्सरा इज़ द बेस्ट 15 सेंटीमीटर स्केल मैं बोल सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे नटराज का है, नटराज भी भाई बहुत तगड़ा स्केल है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको डोम्स का। तो इस तीनों ब्रांड की अगर स्केल आपको 15 सेंटीमीटर स्केल अगर मार्केट में मिल जाती है तो आप लोग तुरंत जाके उसको परचेस कर लेना। लेकिन हाँ अगर कोई और ब्रांड की आपको इस सब टाइप से मिले, फ्लेयर या सेलो इस सब का टाइप का मिले, तो बिल्कुल ही परचेस मत करना। तो मैंने तो परचेस कर लिया है, मैंने तो अपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, बट कोई ना गाइस आप लोग के लिए ऐसे ही मैं पैसे इन्वेस्ट करते रहूँगा। बस आप लोग वीडियो को पसंद करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को लाइक करते रहना। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।